मोरेटोरियम चाहिए, बैंक और आरबीआई मजबूर होके आपको मोरेटोरियम देगी, वो भी 100% कंफर्म आपको मोरेटोरियम मिलेगा, पर आपको मैं जो बोलूँगा वो करना होगा। कमेंट्स में बोल देना बहुत आसान होता है कि सर सिर्फ न्यूज़ आ रही है मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है, पर एक्चुअली में मोरेटोरियम के लिए करना क्या होगा, क्या आप वो कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको मोरेटोरियम मिलेगा। मोरेटोरियम लेने से पहले आपको बैंकों की मजबूरी समझना होगा, बैंक क्यों मोरेटोरियम नहीं दे रहे, ऐसे क्या सिचुएशन होते हैं जब आपको मोरेटोरियम देना बैंकों के लिए मजबूरी बन जाती है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? मैंने देखा है मेरे बहुत सारे लोग जो है मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप अभी तक भूल रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, पैसे थोड़ी लगते हैं, सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोरेटोरियम हमें मिलता कब है। जब बैंकों को लगता है कि उनके ईएमआई रिसीव नहीं हो रहे हैं, जो आप ईएमआई पे करते हो, आपने कोई भी लोन ले रखा है, बिजनेस लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, एजुकेशन लोन होगा, किसी भी तरह का कोई भी लोन, सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन, जब बैंकों को लगता है कि ये पर्सन लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर रहा, तो उन्हें मजबूर होकर मोरेटोरियम प्रोवाइड करना पड़ता है। पर कौन से सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर आप अपने ईएमआई को पे नहीं कर पाते? अगर ऐसे बोले तो कोई इंसान अपने लोन ईएमआई की पेमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम लोन ईएमआई पेमेंट ना करें तो उन्हें मोरेटोरियम आसानी से मिल जाएगा। हर सिचुएशन में नहीं, ऐसे सिचुएशन में जब लोगों का इनकम किसी मजबूरन वश किसी ऐसे कारण की वजह से रुका हुआ है, वो अपने लोन ईएमआई की पेमेंट कुछ ऐसे कारण की वजह से नहीं दे पा रहे हैं जो उनके हाथों में नहीं है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ऐसा कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो लोगों के हाथ में बात नहीं रहती, वो अपने लोन ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाते। कोरोना भी कुछ इसी तरह का बीमारी है, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब को लगभग उनका जॉब चला ही गया, क्योंकि बहुत सारे लोग 30% 40% 50% सैलरी पे ही काम कर रहे हैं। जो धंधा व्यापार वाले लोग थे उनका क्या हालात है आप देख सकते हो, क्योंकि उन्हें दुकान खोलने नहीं दिया जा रहा है। जो दुकान खोलने दिया जा रहा है उनके टाइमिंग कुछ इस तरह से कि उसमें वो कुछ कमा नहीं पाते। जब आप कमा नहीं पाओगे तो आप अपने ईएमआई को पे नहीं करोगे, क्योंकि उनका रेंट लग रहा है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है और सभी तरह के जितने भी चार्जेस हैं वो भी लग रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी है जहाँ से उन्होंने लोन ले रखा है अपने धंधा व्यापार चलाने के लिए, उन्हें अभी कोई राहत नहीं मिली। कंटिन्यू रिकवरी एजेंट आते हैं, उन्हें परेशान करते, ईएमआई मांगते हैं, जो कि इस हालात को देखते हुए बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? मोरेटोरियम होता क्या है? जब आप एक पर्टिकुलर टाइम में, एक फ्रेम टाइम फ्रेम में आप अपने ईएमआई को पे नहीं करते, जब आप अपने ईएमआई को पे नहीं करते उसमें इंटरेस्ट लगता है। उस हालात कभी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं कि आप अपने ईएमआई को पे कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ईएमआई पे करने की तो कोई बात नहीं है। और बैंक आपको क्यों मजबूरन वश आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में जानिए। बैंकों ने अपने रिपोर्ट में ये शो किया है कि उनका जो एनपीए है वो तकरीबन 7.5% है, जबकि एक्चुअली में 10% है, जो बढ़ के 15% है, और फाइनली ये बढ़ते बढ़ते 18% तक चला जाएगा। ये रिपोर्ट है, एक्चुअल सच्चाई नहीं है, क्योंकि बैंक जब रिपोर्ट शो करता है उसमें बहुत सारी बातों को गलत और थोड़ा सा उस डाटा के साथ प्रॉपर सही नहीं होता है। अगर एक्चुअल सिचुएशन की बात करें तो बैंकों का तकरीबन 25 से लेकर 28% तक लोन एनपीए है, और ज़्यादातर लोन तो एनपीए है, क्योंकि इस पैंडमिक के बाद, क्योंकि जो डेटा होता है इसको 45 दिन लगते हैं अपडेट होने में। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 50% से ज़्यादा लोन अभी एनपीए हो चुका है। अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी अगर आपको मोरेटोरियम नहीं देती तो उन पर ताला लग जाएगा, तो यहाँ उनके साथ मजबूरी है और बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको बुला के लोन ईएमआई पे मोरेटोरियम देंगे। बस आपको इतना करना है कि अगर रिकवरी एजेंट आए, परेशान करे, तब भी अपने लोन ईएमआई की पेमेंट ना करें, बस एक छोटा सा काम करना है। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो बढ़िया सा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।